नमस्कार, मैं मंजू मिश्रा। मंजू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं फ्राई हरी मिर्च की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने हरे मिर्च को लेकर के इसे पहले अच्छी तरह से धो लिए, और धोने के बाद इसका पानी को हम बिल्कुल सुखा लिए हैं, और सुखा करके इसे हम बीच से इस तरह से कट कर लेते हैं। इसी तरह से सभी मिर्च को कट कर लेते हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, और कढ़ाई में लगभग एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं, और तेल को पहले हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें हम कटा हुआ मिर्च को डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए मिर्च को हल्का भून लेते हैं कि जिससे मिर्च का कलर चेंज हो जाए। मिर्च अच्छी तरह से भुना गया है, कलर भी मिर्च का चेंज हो गया है। देखिए, इस तरह से मिर्च अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच पीली वाली सरसों उसका पाउडर है, और एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। इस तरह से फ्राई मिर्च बनाइएगा तो खाने में जान आ जाएगा, खाना का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे आप बना करके फ्रिज में 10-15 दिन तक आराम से रख सकती हैं, और जब भी इच्छा हो तो इसे निकाल करके खा सकती हैं। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। मसाला को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें हम नमक को डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक को डाले हैं, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसे लगभग 5-10 सेकेंड इसे हम चला लेते हैं। फ्राई हरी मिर्च बनकर के तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।